दोस्तों, आज मैं ब्लॉग बनाने के लिए बाहर नहीं गई, आज मैं घर पर ही हूँ। तो ये मेरा भाई मुझे बहुत देर से परेशान कर रहा है, मुझे ब्लॉग बनाने नहीं दे रहा है। तो आज हम अपने रिश्तेदारों के कहाँ जा रहे हैं? खाटू श्याम जी की पूजा में। अरे ये बोलेगा नहीं, आज हम खाटू श्याम जी की पूजा में जा रहे हैं और उसके लिए भी तैयारियां चल रही है घर में। मैंने भी नेल पेंट भी लगा ली है, ब्लैक कलर की, अच्छी अच्छी। तो मम्मी अभी हम कहाँ जा रहे हैं? दुर्गापुरी। हम दुर्गापुरी जा रहे हैं खाटू श्याम जी की पूजा में। तो अभी मेरे को अपने सूट भी प्रेस करने हैं। तो मेरा भाई अभी अपने नए नए शूज लेकर आया है। शूज दिखा, ये बहुत ही सारी फालतू की चीजें लेता है जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो दोस्तों ये मेरा भाई है, इसके गले में हमेशा नेक बैंड मिलेगा आपको। मैं घर का चाय मेकर। ये हमारे घर का सबसे छोटा है और ये हमारे, इसके गले में आपको हमेशा नेक बैंड मिलेगा। ये हमेशा फोन पे रहता है। ये अपनी है और अगर इस कंपनी को आप वायरल कर देंगे तो मुझे 2 करोड़ रुपए मिलेगा, जिससे मैं आप 1 रुपए भी ना दूंगा। ऐसे मत बोल मेरी वीडियो। दोस्तों इस टाइम मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मुझे खाटू श्याम जी की पूजा में जाना है तो मुझे सूट पहनना चाहिए कि जीन्स, क्योंकि मेरे पास, अगर मैं सूट पहनती हूँ तो सूट पे पहनने के लिए मेरे पास एक अच्छा सा स्वेटर नहीं है, और अगर मैं जीन्स पहनती हूँ तो क्या पूजा में जीन्स पहनना ठीक रहेगा? क्या बोलता है भाई? ये कभी भी कुछ नहीं बोलता है क्योंकि ये सिर्फ गाने बनाता है, और ये सिर्फ जब भी बोलता है सिर्फ गानों की वे में ही बोलता है। तो दोस्तों मैं ऊपर वाले कमरे में आई हूँ क्योंकि मेरा जो है पूरा का पूरा सारे सूट वगैरह वो सारे मेरी अलमारी में रखे हुए हैं। तो मैं अब जा रही हूँ अपनी अलमारी में, देखती हूँ मुझे क्या पहनना है। तो अभी जो मैंने अलमारी में से अपने कपड़े निकाले हैं उनमें से मैंने छांटे हैं और मुझे ये 6 सूट समझ में आ रहे हैं, बट मुझे इन 6 में से भी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मुझे कौन सा वाला सूट पहनना चाहिए। मेरे को तो ये भी अपना बहुत पसंद है और सारे ही पसंद हैं। तो मैं अपनी मम्मी से ही पूछती हूँ, मेरी मम्मी मुझे सही एडवाइस कर पाएगी कि उनमें से मुझे कौन सा वाला सूट पहनना चाहिए। पहले तो मुझे बहुत सारी गालियाँ देंगी कि तूने सारे सूट निकाल दिए, सारी तय खराब कर दी, अलमारी खराब कर दी होगी, तूने मेरी भी खराब कर दी होगी, ये वो पलाना ढिमकाना। बट उसके बाद वो मुझे एडवाइस कर ही देंगी कि मुझे कौन सा वाला सूट पहनना चाहिए। तो मम्मी हमेशा सबकी करेक्ट होती है, पहले गालियाँ देती है लेकिन उसके बाद जो वो एडवाइस करती है वो एकदम करेक्ट होती है। तो दोस्तों सबसे पहले अपनी माँ की बात माने, उसके बाद ही किसी और की बात सुने। तो अभी मुझे ये झुमका समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये वाला सूट पे कैरी करूं या ये वाला बेटर रहेगा। लाइट ही अच्छा लगेगा या थोड़ा सा ये हैवी पहनूं, क्या लगता है? देखती हूँ सोच के। तो गाइस मेरा आधा आधा मेकअप हो चुका है, मेरे झुमके, मेरी बिंदी, मेरी लिपस्टिक, काफ़ी हद तक। तो फाइनली मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, मेरा ड्रेसअप भी कंप्लीट हो चुका है। मम्मी ने मेरे को ये वाली ड्रेस चूज कराई, जैसा कि आप देख रहे हैं ये ब्लैक वाला, और इसमें मैंने गला दुपट्टा डाला है और मैं इस टाइम पूरी तरह से रेडी हूँ। सिंपल पार्टी वेयर लुक नहीं लिया मैंने, पूजा के हिसाब से लुक लिया है। तो मैं प्रिटी लग रही हूँ ना दोस्तों? लाइट मेकअप, काजल में लाइट लाइट्स है। मेरे भाई आ गया, अभी मजा आएगा। अनु आज मैं कैसी लग रही हूँ? काश भाई कभी बहनों की तारीफ करते हो। वैसे मैं कैसी? मैं उन भाइयों में से। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? काश दूसरे की बहन अच्छी लग सकती है पर मुझे मेरी बहन कभी अच्छी नहीं लग सकती, वो तो पता था। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? काश तुझे कोई पसंद कर ले, तेरी शादी हो जाए और फिर इसके बाद मेरा नंबर लगे। तो अपनी शादी से मतलब है, इस वजह से मेरी शादी कराना चाहता है क्योंकि मैं इससे बड़ी हूँ। यही प्रॉब्लम होती है हर भाई बहन की। मम्मी मैंने भाई से तो रिव्यू पूछ लिया अपना, आप मेरे को बताओ मैं कैसी लग रही हूँ इस टाइम? हाय दोस्तों। ओहो, मेरी मम्मी से मैंने हाय तो कराया ही नहीं। तो दोस्तों मेरी मम्मी हाय की। हाय बच्चों। ओह हाय बच्चों, मम्मी बड़े भी देख सकते हैं, बूढ़े भी देख सकते हैं। तो बस हाय दोस्तों, बड़ों को राधे राधे, छोटों को प्यार। हाँ तो मम्मी इस टाइम में कैसी लग रही हूँ आज? मैं पूजा के हिसाब से कैसी तैयार हुई हूँ? कुड़ियों को मेरा, माँ को हमेशा अपने बच्चे अच्छे लगते हैं।